हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको अपने सैमसंग वाले सैमसंग गैलेक्सी M30 में फ्रेंड्स आपका जो कीबोर्ड में जो प्रॉब्लम होता है आपको कैसे फिक्स करना है, सही करना है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपने चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पहले सेटिंग ओपन कर लेना आपको, और फ्रेंड्स आपको इस तरह के इंटरफेस हो जाता है तो आपको नीचे जाके ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जनरल, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं क्लिक कर लेता हूँ, और फ्रेंड्स क्लिक करते हैं आपको ये वाला ऑप्शन होता है दिख जाएगा कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं सेकेंड वाले पे, उसको देखना है। यहाँ पे जाकर सैमसंग कीबोर्ड आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करते हैं आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे लिखा है रिसेट टू डिफॉल्ट सेटिंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करता है सबसे ऊपर दिख जाता है रीसेट कीबोर्ड सेटिंग। फ्रेंड्स, आप इसको क्लिक करते जो आपके कीबोर्ड में जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा इसको रीसेट करते ही। मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे होते हैं हमारे वीडियो समाप्त, और मैं आशा करता हूँ कि आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।